ये स्मूदी डाइट का लैंडिंग पेज मैंने बनाया है system.io से। ये एकदम ही फ्री में बनाया हुआ है मैंने, और इस लैंडिंग पेज की मदद से मुझे ओनली 8 क्लिक्स में सेल आ चुकी थी। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज तिंदर सिंह। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एकदम फ्री में एक इफेक्टिव लुकिंग लैंडिंग पेज बना सकते हो। इसमें मैं आपको स्मूदी डाइट का लैंडिंग पेज बनाकर दिखाऊंगा, जिसमें मुझे ओनली 8 क्लिक्स में सेल आ गई थी। आपको मैं सेम एज इट इज रेप्लीकेट करके दिखाऊंगा उसको, ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना आए उसको सेम टू सेम कॉपी करने में। और इसमें मैं आपको अपने लैंडिंग पेज का लिंक भी दे दूंगा, ताकि जिन लोगों को लैंडिंग पेज के लिए मटेरियल ढूंढने में प्रॉब्लम होगी तो वो वहां से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो ये एक फुल स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल होगा। इसमें मैं आपको system.io से बनाकर दिखाऊंगा, जिसमें आपको 3 लैंडिंग पेजेस एकदम फ्री में बनाने को मिलते हैं। तो चलिए गाइस, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं सीधा ही आपको ले चलता हूँ अपने डेस्कटॉप पर। तो गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर कर दीजिए, ताकि आप कोई भी वैल्यूएबल वीडियो मिस ना कर दें। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर रेगुलर कंटेंट डालता हूँ एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड। आपको मेरे चैनल से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैंने यहाँ पर बहुत से फुल कोर्सेज डाले हुए हैं, जिससे आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और मेरे चैनल पर सभी वीडियोस फुल प्रैक्टिकल होती है, कुछ भी मैं आपको वर्बली नहीं बताता, सब कुछ मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो जो लोग बिगिनर्स है उनको मेरे चैनल से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसलिए जिन लोगों ने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर कर देना, ताकि आप ऐसी ही कोई वैल्यूएबल वीडियो मिस ना कर दें। और अगर आप लोगों को मेरे से पर्सनल कोचिंग चाहिए या आपकी कोई क्वेरी हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके DM कर देना। मैं डेफिनेटली आप लोगों की क्वेरी का रिप्लाई करूंगा, बट हो सकता है आपको रिप्लाई देने में 2 से 3 लग जाए, बिकॉज मेरे पास अभी भी 100+ मैसेजेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो सबकी क्वेरीज का आंसर एक बार देना तो पॉसिबल नहीं है। आपकी जो भी क्वेरी होगी आप मुझे फॉलो करके DM कर देना, मैं डेफिनेटली आप लोगों की क्वेरी का रिप्लाई करूंगा। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे मैं आपको अपना लैंडिंग पेज दिखाता हूँ, ये स्मूदी डाइट का लैंडिंग पेज मैंने बनाया है system.io से। ये एकदम ही फ्री में बनाया हुआ है मैंने, और इस लैंडिंग पेज की मदद से मुझे ओनली 8 क्लिक्स में सेल आ चुकी थी। जैसे आप लोगों ने वीडियो में देखा, ये तो बहुत से लोगों को लैंडिंग पेज में दिक्कत आ रही थी, तो इसलिए मैं आप लोगों की डिमांड पर ये वीडियो बना रहा हूँ। वैसे मैंने पहले ही system.io पर एक फुल वीडियो बनाई हुई है, बट बहुत से लोगों को थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन थी, तो आप लोगों को मैं सेम लैंडिंग पेज को रेप्लीकेट करके दिखाऊंगा, और आपको मैं इस लैंडिंग पेज का लिंक भी दे दूंगा, ताकि आप यहां से जो इमेजेस मैंने लगाई हुई है उसको एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट कर पाएं। जैसे देखो, ये लैंडिंग पेज है, यहाँ पर मैंने एक एफिलिएट लिंक दिया हुआ है, और एक मैंने दिया हुआ है यहाँ पर क्लेम स्पेशल 10% ऑफ, यहाँ पर टाइमर लगाया हुआ है। ये सभी आप एकदम ही फ्री में कर सकते हैं, मैंने भी एकदम फ्री में किया है। तो मैं जल्दी से आपको बताता हूँ कि कैसे आपको एक ऐसा ही इफेक्टिव लुकिंग लैंडिंग पेज बनाना है। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ system.io पर। तो ये देखो, ये है system.io। उसका कुछ मेन इंटरफेस जो है वो ऐसा होगा, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, ये system.io का मेन लैंडिंग पेज है। यहाँ पर आप 3 फनल्स एकदम फ्री में बना सकते हो, मतलब कि 3 लैंडिंग पेज आप एक ईमेल से बना सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको फर्दर और लैंडिंग पेजेस बनाने हैं तो आप अपने दूसरे ईमेल से यहाँ पर साइन अप कर लेना, तब आप वहाँ पर भी 3 लैंडिंग पेजेस बना सकते हो। और जो मैं फुल फ्लेज फनल्स बनाता हूँ, वो भी मैं system.io से ही बनाता हूँ, बिकॉज इसका इंटरफेस बहुत ईजी है और बिगिनर फ्रेंडली है, आप लोगों को इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं साइन अप तो नहीं करूँगा, बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी 2 से 3 अकाउंट है इसके। मैं आपको उसमें से ही एक में बनाकर दिखाता हूँ, बट जो लोग नए हैं इस पर, तो वो सिंपली यहाँ पर गेट स्टार्टेड फॉर फ्री पर क्लिक करके साइन अप कर सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं जल्दी से अपना अकाउंट लॉगिन करता हूँ। ये देखो, ये मेरा अकाउंट है, मेरे यहाँ पर 4 से 5 अकाउंट है। मैं भी फ्री वाले ही यूज़ करता हूँ, बिकॉज मेरा जो मेन ट्रैफिक सोर्स है वो इंस्टाग्राम है। मैं अपने प्रोडक्ट इंस्टाग्राम पर ही प्रमोट करता हूँ, तो इस वजह से मैं पेड लैंडिंग पेज बिल्डर पर अभी शिफ्ट नहीं हुआ हूँ। आपको सिंपली मेन्यू पर जाना है, और यहाँ पर फनल्स के ऑप्शन है, आपको यहाँ पर टैप करना है। देन देखो, यहाँ पर 2 लैंडिंग पेजेस मैंने पहले से ही बनाए हुए हैं। एक है रेविटा प्रो का, इस पर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, जो मुझे $300 की सेल आई थी वो इसी लैंडिंग पेज के थ्रू आई थी। इसमें मैंने सेम उसके लैंडिंग पेज को रेप्लीकेट किया हुआ है, रेविटा प्रो के ऑफिशियल VSL को। तो जब आपने न्यू साइन अप किया होगा, तब ये यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, आपको सिंपली क्रिएट पर क्लिक करना है। देन ये ऑप्शन आपके पास आएगी, आपको सिंपली यहाँ पर कस्टम पर रखना है। देन नेम में आप कुछ भी दे दो, जैसे मैं देता हूँ टेस्ट,
देन इसको कंटिन्यू कर देना हमको। तो देखो ये इंटरफेस हमारे पास आ गया। अब हमको यहाँ पर सबसे पहले स्टेप क्रिएट करना है, तो उसके लिए सिंपली क्रिएट स्टेप पर क्लिक करो, देन नेम दे दो अपने लैंडिंग पेज का, जैसे स्मूदी डाइट है तो मैं डाइट लिखता हूँ सिंपली। और यहाँ पर टाइप देनी है आपको, आपके पेज की टाइप कौन सी होगी। तो जैसे ये देखो ऑप्ट इन स्क्वीज पेज है हमारा, जो मेन हमारा जो पेज है वो स्क्वीज पेज ही है। जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूँ, स्क्वीज पेज होता है कि आपकी ट्रैफिक सोर्स के और आपके एफिलिएट प्रोडक्ट के बीच में ब्रिज का काम करता है, उसको हम स्क्वीज पेज बोलते हैं। तो मैं सिंपली इसको ही चूज़ करूँगा, देन सेव। तो देखो यहाँ पर उन्होंने प्री मेड लैंडिंग पेजेस दे दिए हैं हमको बने हुए, हमको इनको ही एडिट करना। ये टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आपको इनमें से कौन सा चूज़ करना है, चाहे आप अपना खुद का भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर ब्लैंक की ऑप्शन भी है, उस पर आप अपना खुद का भी क्रिएट कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे देखो ये ब्लैंक वाला है, तो मैं इनमें से कोई भी एडिट कर लेता हूँ। तो देखो ये है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसको मैं आपको एडिट करके दिखाता हूँ। मैं आपको ओवरव्यू दूंगा, आप अपने अकॉर्डिंग इसको जितना चाहे उतना कस्टमाइज कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। देन ये इंटरफेस आ गया, आपको सिंपली यहाँ पर एडिट पेज पर क्लिक करना है। देन देखो ये हमारा मेन एडिटर निकल आया है। अब यहाँ पर हमको फुल फ्लैज एडिटिंग करनी है उसकी, तो उसके लिए हमको ये नहीं चाहिए सेक्शन वगैरह, इसको हमको डिलीट करना है रो को। ये देखो अब ये ऐसा है, हमको इसको कस्टमाइज करना है, ये फर्स्ट वाली भी नहीं चाहिए हमको, तो इसको भी मैं डिलीट करता हूँ। जैसे देखो अब हमको इसको एडिट करना है, तो उसके लिए ये लैंडिंग पेज मैंने बनाया था, इसको मैं एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट करके दिखाऊंगा आपको। सबसे पहले ये हमारी मेन हेडलाइन आएगी, इसको कॉपी करके हमको यहाँ पर पेस्ट करना है। ये आ गई हमारी हेडलाइन। अब इसका कलर वगैरह चेंज करने के लिए सिंपली, तो अब हमको इसका कलर चेंज करना है, तो उसके लिए सिंपली यहाँ पर टैप कीजिए और इसको सेलेक्ट कीजिए। देन यहाँ पर देखो ब्लैक की ऑप्शन है, इस पर टैप करके यहाँ से इसको ग्रीन कर दीजिए, ये हो गया ग्रीन। चाहे तो आप शेड भी बदल सकते हो, ये आप पर डिपेंड करता है, तो मैं थोड़ा ऐसा रखता हूँ। और फील इमेजिंग को हमको करना है रेड, तो यहाँ पर टैप किया फिर से यहाँ पर, और यहाँ से रेड की ऑप्शन है, ये हो गया रेड। तो ऐसे करके आपको हेडलाइन का कलर चेंज करना है। अगर ये फॉन्ट बड़ा लग रहा है तो इसको फॉन्ट को भी आप कम कर सकते हैं। जैसे देखो फॉन्ट साइज, देखो अब ये एक लाइन में आ गया। अगर आपको मोबाइल में देखना है कि मोबाइल में कैसा लग रहा है, तो सिंपली यहाँ से आप देख सकते हो। इसको आपको एडिट करने की ज़रूरत नहीं है मोबाइल के लिए, ये अपने आप ही ऑप्टिमाइज हो जाएगा, ये अपने आप ही मोबाइल के लिए भी ऑप्टिमाइज हो जाएगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। देन ये आ गया। देन उसके बाद हमको ये सिंपली कॉल टू एक्शन देना है, इसको कॉपी किया, देन टेक्स्ट उन्होंने पहले से ही दिया हुआ है, यहाँ पर हमको इसको पेस्ट करना है। तो अब हमको इसको भी कलर करना है थोड़ा बहुत, देखो इसको ग्रीन करना है और उसको रेड करना है। तो ऐसे करके आपको एडिट करना है। ये अब हमारी मेन हेडलाइन और सब हेडिंग हो चुकी है। अब हमको ये वाली इमेज चाहिए, तो सिंपली इमेज को मैं यहाँ से सेव करता हूँ। तो यहाँ पर जाना है आपको, यहाँ पर देखो प्रीमेड ब्लॉक्स बने हुए हैं, आपको सिंपली इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है यहाँ पर इसके नीचे, और यहाँ पर अपनी इमेज को पेस्ट कर देना है। तो ये देखो ये हमारी इमेज आ गई, सिंपली इसको सेलेक्ट किया, ये देखो यहाँ पर हमारी इमेज आ गई। ये इजी, बिल्कुल इजी इंटरफेस है इसका, आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी, ईजिली आप इसको कर सकते हैं। देन उसके बाद हमको ये सभी पैराग्राफ्स देने हैं यहाँ पर। ये आ गया हमारा एडिटर, यहाँ से अब हमको टेक्स्ट को चूज़ करके यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इसके नीचे, और यहाँ पर हमको उसको पेस्ट कर देना, ये हमारा टेक्स्ट आ गया। देन अब हमारा मेन पेज तो बन चुका है, अब हमको इसके नीचे टाइमर देना है। तो टाइमर के लिए सिंपली यहाँ पर नीचे आना होगा आपको, तो ये देखो यहाँ पर काउंटडाउन की ऑप्शन है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके आपको यहाँ पर पेस्ट करना है। और अभी ये ऐसे दिखा रहा है, सिंपली यहाँ पर टैप करना है। तो काउंटडाउन के लिए जैसे देखो यहाँ पर काउंटडाउन टाइप में फिक्स टाइम है, डेट की ऑप्शन है, इसको आपको सेलेक्ट करके डिले पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपको देना है कि कितने डेज के लिए ये ऑफर वैलिड है। मैंने यहाँ पर देखो जैसे सिंपली एक और के लिए रखा था, तो यहाँ पर एक दिखा रहा है, आप चाहो इसको जितना मर्जी एक्सटेंड कर सकते हो। अगर आपको एक और के लिए नहीं रखना है इसको, तो सिंपली 30 मिनट्स के लिए भी रख सकते हो आप। जैसे ये आ गया 30 मिनट्स हमारा, 00 सेकेंड्स, उसके बाद डू नथिंग, देन इसको हमको चेंज करने की ज़रूरत नहीं। देन ये हमारा टाइमर भी सेलेक्ट हो गया, अभी ये यहाँ पर नहीं चलेगा, उसके लिए आपको सिंपली इसको देखना पड़ेगा, वहाँ पर ये काउंटडाउन चलता हुआ दिखाएगा। जैसे देखो ये हमारा लैंडिंग पेज है, ये देखो हमने 30 मिनट सेट किए थे, यहाँ पर 30 मिनट का काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है। इसको आप अपने अकॉर्डिंग बड़ा छोटा भी कर सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। देन अब हमको यहाँ पर कॉल टू एक्शन देना, हरी क्लेम द ऑफर नाउ, उसके बाद हमको एक बटन देना है, उसमें अपना स्मूदी डाइट का लिंक देना है। तो ये रहा,
इसके लिए हमको हेडलाइन टेक्स्ट की ज़रूरत पड़ेगी, उसको यहाँ पर दे दिया। देन ये आ गया यहाँ पर। इसका अगर आपको साइज़ बड़ा करना है तो यहाँ पर फॉन्ट साइज़ की ऑप्शन है, इसको आप जितना मर्जी बड़ा छोटा कर सकते हो। ये आ गया। देन इसके नीचे अब आपको बटन की ऑप्शन देनी है, तो बटन यहाँ पर नीचे आएगा। ये देखो ये बटन की ऑप्शन है, बटन को ड्रैग एंड ड्रॉप किया यहाँ पर, इसके नीचे आ गया। तो गाइस बटन को एडिट करने के लिए हमको सिंपली यहाँ पर टैप करना है और ये फुल ऑप्शन निकल आएगी। यहाँ पर देखो नेक्स्ट स्टेप यूआरएल लिखा हुआ है, आपको इसको चेंज करके यहाँ पर ओपन यूआरएल पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपना एफिलिएट लिंक पेस्ट करना है। तो मैं यहाँ पर गूगल का लिंक पेस्ट करता हूँ। जैसे देखो ये मैंने सिंपली गूगल का लिंक पेस्ट कर दिया, जबकि आपको यहाँ पर अपना एफिलिएट लिंक पेस्ट करना है। देन ये ऑप्शन है ओपन इन सेम विंडो और ओपन इन न्यू विंडो, ये आप पर डिपेंड करता है आपको इसको कैसे ओपन करना है। मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। देन ये सभी उसकी स्पेसिंग वगैरह है। देन ये है बटन का टेक्स्ट, बटन के टेक्स्ट के लिए हमको सिंपली इसको कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो ये यहाँ पर जो क्लिक है लिखा हुआ है ये भी चेंज हो जाएगा। ये देखो साइज़ को इसको बड़ा छोटा करना है आप यहाँ से कर सकते हो। ये देखो इसको हम डिलीट कर देंगे, ये नहीं चाहिए हमको। देन देखो इसका कलर, देखो बैकग्राउंड कलर ब्लू है, हमको इसको रेड कर देना है। ये आप पर आपकी मर्जी, आप चाहे इसको रेड भी कर सकते हैं, चाहे कोई और रखना हो तो और भी रख सकते हैं। देन ये हमारा बटन बन चुका है। ये सभी इसकी स्पेसिंग वगैरह, अगर आप चाहो तो इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर देखो ऊपर से इसके और इसके बीच में स्पेसिंग ज़्यादा है, अगर इसको आपको कम करना है तो यहाँ पर मार्जिन की ऑप्शन है, मार्जिन को आप कम कर दीजिए, उसकी स्पेसिंग भी कम हो जाएगी। जैसे देखो मैंने जीरो कर दिया तो ये ऐसे हो गया। देन अब हमको क्या करना है, अब हमको ये फॉलोअर्स के फीडबैक वाला कॉलम लगाना है यहाँ पर। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये हमारे सोशल प्रूफ्स है, इसको देखकर ही कोई बंदा कन्वर्ट होगा, अदरवाइज कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये भी मैं आपको करके दिखाता हूँ, इसको एग्जैक्टली कॉपी कर लिया। देन यहाँ पर आपको एक न्यू सेक्शन लेना पड़ेगा, जैसे ये तो हम सेम ही सेक्शन में कर रहे थे, अब आपको यहाँ पर एक न्यू सेक्शन लेना है। तो उसके लिए सिंपली यहाँ पर नीचे आइए, तो यहाँ पर सेक्शन की ऑप्शन है, चाहे आप सेक्शन ले लीजिए चाहे आप रो ले लीजिए, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो मैं रो को यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, तो ये यहाँ पर रो आ गई। इसमें हमको अपने सारे एलिमेंट्स ऐड करने हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर इसकी बैकग्राउंड चेंज है, तो बैकग्राउंड चेंज करने के लिए सिंपली यहाँ पर टैप कीजिए और देखो बैकग्राउंड कलर की ऑप्शन है, इसको आप चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग अगर आप चाहो तो। मैं नहीं करूँगा, मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। देन अब हमको यहाँ पर चाहिए टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, तो उसके लिए हेडर टेक्स्ट को मैं यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, तो यहाँ पर हमारा कॉल टू एक्शन आ जाएगा, कंट्रोल वी, इसको हमको बड़ा करना है, यहाँ से हम बड़ा कर देंगे। देन अब हमको यहाँ पर नीचे इमेजेस लगानी है। ये मैंने सिंगल सिंगल इमेजेस नहीं दी हुई बिकॉज हमको इसको मोबाइल फ्रेंडली बनाना है। आपको यहाँ पर 3 रोज वाला कॉलम देना पड़ेगा, उसके लिए सिंपली यहाँ पर देखना आप, ये देखो 3 कॉलम्स के ऑप्शन है। अगर आप सिंगल सिंगल करके इमेज दोगे तो उसकी जो लेआउट है वो मोबाइल व्यू में अच्छी नहीं दिखेगी, तो इसके लिए आपको 3 कॉलम को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है यहाँ पर इसके नीचे। ये आ गया यहाँ पर। अब आपको इमेज ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है, जैसे देखो इमेज की ऑप्शन है, इमेज को यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया और यहाँ पर आपको उस इमेज को अपलोड कर देना है, जैसे ये रही। इन सभी को मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, ये 3 इमेजेस मैंने डाउनलोड कर ली। अब आपको स्टेप 1 by 1 करके यहाँ पर इसको पेस्ट करना है। ये हमारी फर्स्ट इमेज आ गई। देन ऐसे ही करके एक और इमेज लेनी है यहाँ पर, अगर आपको इस सेक्शन को कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। सिंपली यहाँ पर टैप कीजिए, बैकग्राउंड कलर की ऑप्शन है, मैं इसको हल्का सा ब्लूइश सा करता हूँ, जैसे देखो ये ग्रे हो गया। इसकी हम ट्रांसपेरेंसी थोड़ी कम कर देते हैं। अब ये सेक्शन जो है वो बाकी वाले सेक्शन से अलग लग रहा है, जैसे आप यहाँ पर देख ही सकते हो। तो इसको अपने हिसाब से आप कस्टमाइज कर सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। देन अब हमको यहाँ पर इसके नीचे बताना है कि वो कैसे वर्क करती है, उसके इंग्रेडिएंट कौन से है। जैसे यहाँ पर देखो, तो मैं सिंपली इसको कॉपी करता हूँ। तो इसके लिए आपको सिंपली टेक्स्ट को लेना पड़ेगा यहाँ पर और टेक्स्ट को यहाँ पर नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, तो ये एक अलग से सेक्शन बन जाएगा। यहाँ पर आपको वो कॉपी पेस्ट कर देना है। देन इसका साइज इंक्रीज कर देना है, ये आप अपनी अकॉर्डिंग अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जितना भी आप चाहो। देन एक बार फिर से आपको यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करना है, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसके नीचे और इस सारे को कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट कर देना है। ये आ गया। देन अब हमको यहाँ पर इमेज चाहिए, यहाँ पर इमेज दी हुई है तो मैं इसको भी डाउनलोड कर लेता हूँ और यहाँ पर हमको इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा। ये आ गई इमेज और इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ये आ गई हमारी इमेज भी। देन जो बाकी का है इसको मैं जल्दी से कर लेता हूँ, ये भी सेम ही है, यहाँ पर भी ये सब कॉपी पेस्ट ही होगा।
तो मैं इसको जल्दी से करके आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो गाइस, मैंने कर दिया है सब कुछ, मैंने एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट कर दिया। देन अब हमको यहाँ पर ये इमेजेस लगानी है। इसके लिए भी हमको एक कॉलम सेलेक्ट करना पड़ेगा, टू इमेजेस वाला। जैसे देखो ये है टू कॉलम्स वाली रो, इसको यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है हमको, और यहाँ पर हमको इमेज ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है। सबसे पहले मैं इनको डाउनलोड कर लेता हूँ, सेव इमेज। देन अब हमको यहाँ पर इमेज ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है और उसको यहाँ पर लगा देना है। ये आ गई हमारी फर्स्ट इमेज, ये देखो ये हमारी फर्स्ट इमेज आ गई। देन ऐसे ही करके हमको यहाँ पर सेकंड इमेज भी लगा देनी है, और देखो ये आ गई हमारी सेकंड इमेज। तो ये हमारा लैंडिंग पेज बन रहा है। अब हमको बस नीचे कॉल टू एक्शन देना है एक, और उसकी मेन VSL का स्क्रीनशॉट लगा कर देना है। तो इससे हमारा फुल फ्लेज लैंडिंग पेज बनकर तैयार हो जाएगा। अगर आपको इसमें से कुछ भी ऐड ऑन करना हो या कोई चीज़ रिमूव करनी हो तो वो आप अपनी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग कर सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मैं जस्ट आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि मैंने कैसे बनाया था, और आप सेम मेथड को भी रेप्लीकेट कर सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। देन उसके बाद ये है, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ सारे को। देन अब हमको यहाँ पर एक हेडलाइन देनी है, उसके लिए हेडलाइन टेक्स्ट को यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। आप चाहे तो इसके नीचे भी दे सकते हैं, अगर न्यू सेक्शन में देनी है तो न्यू सेक्शन में भी दे सकते हैं। ये आ गई, यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ उसको, ये आ गई। इसको मैं थोड़ा बड़ा करूँगा बिकॉज ये हमारा मेन है। देन यहाँ पर नीचे हमको एक इमेज देनी है, तो उसके लिए मैं सबसे पहले ये मैंने उसकी मेन VSL का स्क्रीनशॉट लिया है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। देन यहाँ पर मैं इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हमारी इमेज आ गई। देन इसको मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। तो देखो अब आप इस अगर चाहो तो इस इमेज पर भी अपना एफिलिएट लिंक दे सकते हो। जैसे सिंपली इमेज पर टैप करो और यहाँ पर देखो ओपन URL की ऑप्शन है, यहाँ पर आपको अपना एफिलिएट लिंक का URL देना है। जो भी आपका मेन एफिलिएट लिंक होगा वो आपको यहाँ पर देना है। मैं सिंपली गूगल वाला ही कॉपी पेस्ट करके देता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर ये हमारा लिंक आ गया। देन अब हमको यहाँ पर नीचे कॉल टू एक्शन देना है, एक जो कि बटन है एक, तो बटन के लिए मैं सिंपली बटन को ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ यहाँ पर। ये रहा बटन, इसके नीचे चाहिए हमको, ये आ गया बटन। और इसके टेक्स्ट को मैं एज इट इज़ कॉपी करता हूँ, बटन पर टैप कीजिए और यहाँ पर नेक्स्ट टैप URL की जगह ओपन URL पर टैप कीजिए। देन यहाँ पर आपका URL आ जाएगा ओपन इन सेम विंडो, तो यहाँ पर आपका बटन टेक्स्ट आएगा। ये मैंने बटन टेक्स्ट दे दिया, और सब्सक्राइब हेयर को मैं डिलीट कर देता हूँ, ये नहीं चाहिए। बटन टेक्स्ट को आप जितना चाहो उतना बड़ा छोटा कर सकते हो। ये देखो फॉन्ट साइज 21 डेज में नीचे रखता हूँ। अब यहाँ पर इसका कलर भी हमको रेड कर देना है, ये हो गया रेड। तो ये देखो ये हमारा फुल फ्लेज लैंडिंग पेज बन चुका है। ऐसे करके आप भी एक इफेक्टिव लुकिंग लैंडिंग पेज बना सकते हैं। जब मैं इसको सेव करता हूँ, इसको पब्लिश करता हूँ यहाँ से, तो ये देखो ये हमारा फुल फ्लेज लैंडिंग पेज बन चुका है। ये हमारे लैंडिंग पेज का लिंक है। यहाँ से टैप किए, यहाँ पर हमारा लिंक कॉपी हो गया, उसको यहाँ पर पेस्ट किया, और ये देखो ये हमारा फुल फ्लेज लैंडिंग पेज यहाँ पर आ चुका है। मैं इसको डिलीट करता हूँ नीचे से। यहाँ पर देखो टाइमर चल रहा है, मैंने 30 मिनट्स रखे थे तो यहाँ पर 30 मिनट्स ही दिखा रहा है। अगर कोई यहाँ पर टैप करेगा तो वो रीडायरेक्ट हो जाएगा गूगल पर। अगर आपने यहाँ पर अपना एफिलिएट लिंक दिया होगा तो वो ऐप के एफिलिएट पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएगा। देन ये देखो सम फीडबैक्स फ्रॉम माय फॉलोअर्स। अगर कोई बंदा इसको मोबाइल से ओपन करेगा तब उसको ये इमेजेस क्लियरली शो होगी। ये डेस्कटॉप पर ऐसे शो कर रही है बिकॉज हमको इसको मोबाइल फ्रेंडली बनाना था। देन ये हाउ इट्स वर्क्स आ गया, देन वो सभी उसके बारे में बता दिया। देन ये डे 121 डे ट्रांसफॉर्मेशन दिखा दी। देन ये हमारा मेन कॉल टू एक्शन आ गया इसके नीचे। इसको आप चाहो तो रख सकते हो, अगर चाहो तो डिलीट भी कर सकते हो इस पूरे सेक्शन को, ये आप पर डिपेंड करता है। यहाँ पर टैप करेगा, अगर कोई यहाँ पर टैप करेगा तो वो रिडायरेक्ट हो जाएगा हमारे एफिलिएट सेल्स पेज पर। ये देखो मोबाइल में ये कुछ ऐसा दिखेगा, जैसे देखो ये मोबाइल व्यू मैंने करके दिखाया हुआ है। यहाँ पर ये हमारी इमेजेस आ गई, हाउ इट वर्क्स, ये सब कुछ आ गया यहाँ पर। स्मूदीज आर एक्सपेंसिव। तो ये देखो जैसे मैंने आपको इमेजेस बताया था, रोज़ में इमेजेस देने का फ़ायदा ये है वो एक दूसरे के नीचे आ जाती है, आपको मोबाइल व्यू के लिए अलग से एडिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप एक एक इमेज अकेली के लिए देते तो उसमें आपको मोबाइल व्यू में भी दोबारा से एडिट करना पड़ना था। देन ये हमारा मेन कॉल टू एक्शन आ गया, जैसे कोई यहाँ पर टैप करेगा तो वो रिडायरेक्ट हो जाएगा हमारे एफिलिएट सेल्स पेज पर। तो आई होप अब आपको अच्छे से समझ लग गया होगा कि कैसे आपको system.io से एक इफेक्टिव लुकिंग लैंडिंग पेज बनाना है।
तो गाइस बस यही था आज की वीडियो के लिए। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना गाइस। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।